हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय रेडिएंट एकेडमिक क्लासेस। हाउ आर यू? प्री वीडियो में मैंने बच्चों आपको सभी को प्रीपोजिशन के रूल विद एग्जांपल्स बताए थे और आई हैव प्रॉमिस्ड यू टू मेक अ फ्रेश वीडियो ऑन पार्ट टू ऑफ प्रीपोजिशन एंड आई एम हियर टू टीच यू द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन विद रूल्स एंड एग्जाम्पल्स एंड लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आई एम बीएल गुप्ता, यही है आपकी सफलता का रास्ता। तो मैं आप सभी को बच्चों ये बचे हुए जो प्रीपोजिशंस के रूल्स थे ये बता रहा हूँ मैं आपको। यू हैव टू राइट, यू हैव टू लर्न इट अगेन एंड अगेन फॉर द एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयर। तो स्टार्ट करते हैं और इसके बाद देखिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे क्योंकि आप तो मैं ऐसी कुछ प्रीपोजिशन बताने जा रहा हूँ जो कॉम्पिटिशन में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है और एकेडमिक में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इन तथा विधिन बच्चों, तो इन तथा विधिन, तो इन से समय की समाप्ति का बोध होता है। जैसे ही वी विल रिटर्न इन ए वीक, इनका मतलब है टाइम के पहले समाप्त नहीं होगा काम और विधिन समय की समाप्ति से पहले का बोध कराता है अर्थात टाइम के अंदर, यानी रिटर्न विद इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर लौट आएगा अर्थात एक हफ्ता पूरा नहीं होगा उसके पहले ही वो लौट आएगा। और ये इसके इन ए वीक का मतलब होता है इससे पहले नहीं लौटेगा एक हफ्ते से। अब आते हैं सिंस तथा फॉर। सिंस से निश्चित समय का बोध होता है, जैसे आपने पहले पढ़ा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। जैसे सी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पढ़ रही है अर्थात मॉर्निंग एक फिक्स टाइम होता है, निश्चित समय होता है, सिंस लगाएंगे। अमित हैज बीन प्लेइंग फॉर टू आवर्स, अमित दो घंटे से पढ़ रहा है, कौन से दो घंटे हैं ये नहीं पता इसलिए इसके लिए टू आवर्स लगाएंगे। अब आते हैं बिहाइंड तथा आफ्टर। बिहाइंड स्थान सूचक है, इसका अर्थ पीछे होता है, जबकि आफ्टर समय सूचक है, इसका अर्थ बाद में होता है। जैसे माई हाउस इज बिहाइंड ए टेम्पल, मेरा घर टेम्पल के पीछे है, और आफ्टर टू आवर्स, दो घंटे के बाद ही वेंट होम, वह घर गया। तो ये आपका बिहाइंड पीछे स्थान सूचक हो गया, आफ्टर जो है ये समय सूचक है। अब आते हैं बाई तथा टिल, ये दोनों बच्चों तक का अर्थ देते हैं और इसमें क्या करते हैं फ्यूचर में इसको हम ले जाते हैं। बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है और टिल भी हम फ्यूचर टेंस में ही तक के लिए लगाते हैं। जैसे ही विल कम बाय 2 AM, वह 2 बजे तक आएगा। और दूसरा है आई शैल वेट टिल फादर कम्स, मैं अपने पिता के लौटने तक इंतजार करूंगा, कब लौटेंगे ये निश्चितता नहीं है। अब आते हैं देखिए बच्चों, ये कुछ ऐसी प्रीपोजिशन है जो फिक्स फ्रेज प्रीपोजिशन है, ये वर्ड अगर आ जाए एग्जाम में तो यही प्रीपोजिशन लगेगी जो अंडरलाइन वाली है। जैसे नॉक्ड एट, खटखटाने के लिए नॉक का यूज करते हैं और फिर एट लगाते हैं। फॉन्ड ऑफ, शौकीन का होता है। लाफ एट, लाफ के साथ एट लगाते हैं, जैसे वी शुड नॉट लाफ एट अदर्स, तो लाफ के बाद एट ही आता है। होप फॉर, आशा के लिए। लिसन टू, सुनने के लिए, लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, तो लिसन के साथ हमेशा टू आता है। विश फॉर, इच्छा प्रकट करने के लिए। फेमस फॉर, प्रसिद्ध हो कोई, जैसे विक्रमादित्य वॉज फेमस फॉर जस्टिस, तो फेमस के साथ हम क्या लगाएंगे फॉर ही लगाएंगे। अब प्राउड के साथ ऑफ आता है। डिपेंड ऑन, डिपेंड के साथ ऑन आता है, निर्भर रहना। वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, रिलेटेड टू होता है, ट्रू टू होता है, ओबीडियंट टू होता है, डिफर फ्रॉम होता है, एग्री टू। अब देखिए एग्री के साथ टू भी लगाते हैं, विद भी लगाते हैं। टू कब लगाते हैं, जब कोई प्रपोजल हो, आई एग्री टू योर प्रपोजल, आई एग्री विद यू, तो विद के आगे अगर लिविंग बींग्स है, कोई प्राणी है, तो यू लगाएंगे। मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों मेड के साथ ऑफ कब लगाते हैं, जब कोई वस्तु हम किसी दूसरी वस्तु से बनाते हैं वो वस्तु उसमें दिखाई देती है। जैसे चेयर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, चेयर प्लास्टिक से बनी है, तो चेयर में प्लास्टिक दिख रही है और प्लास्टिक को तोड़ मोड़ कर फिर पुनः चेयर, वो चेयर को तोड़कर पुनः फिर प्लास्टिक में लाया जा सकता है, तो मेड ऑफ। लेकिन अगर कोई कंडीशन ऐसी हो जो पुनः उसकी पूर्व अवस्था में ना आए और उसमें दिखाई भी ना दे, जैसे कर्ड इज मेड ऑफ मिल्क, मेड फ्रॉम मिल्क, दही दूध से बना है, दही में दूध दिखाई नहीं देता और न ही फिर उसको पुनः उस फॉर्म में लाया जा सकता है, तो मेड फॉर्म लगाएंगे। बिवेयर ऑफ, सावधान रहना, बिवेयर ऑफ डॉग्स, गेट पर लगा देते हैं।
यूजफुल के साथ टू लगाते हैं। डाइड ऑफ, किसी बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है तो डाइड ऑफ, ही डाइड ऑफ कॉलेरा, वह कॉलेरा से मर गया। वेट के साथ फॉर, की के साथ टू, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। अकॉर्डिंग के साथ टू लगाते हैं, एम एट होता है। कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगाते हैं, प्रे टू के साथ, प्रे के साथ टू लगाते हैं, जैसे प्रे टू गॉड, वी शुड प्रे टू गॉड एवरी डे। ड्यू के साथ टू, प्रिफर के साथ टू लगता है, आई प्रिफर मिल्क टू टी। बिकॉज के साथ ऑफ लगता है, सफरिंग के साथ फ्रॉम लगता है, जैसे एप्लीकेशन में देखा है आपने, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। टायर्ड के साथ ऑफ लगाते हैं, सरप्राइज के साथ एट लगाते हैं हमेशा, पनिश के साथ फॉर लगाते हैं, इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में हो तो इनका यूज करते हैं, अपोलोगाइज के साथ फॉर, इन फ्रंट के साथ ऑफ, इन फ्रंट ऑफ कहते हैं सामने, एलिजिबल के साथ फॉर लगाते हैं, किसी के लिए उपयुक्त हो, पात्र हो कोई, ऑन बिहाफ ऑफ होता है, की ओर से, नोन के साथ टू लगाते हैं, और लुक एट भी होता है, टकटकी लगा करके किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे लुक एट द बोर्ड, हम क्लासों में बोलते हैं कि ज़्यादा नहीं, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखिए, तो टकटकी लगा के देखते हैं तो लुक एट लगता है। एक लुक फॉर भी होता है, किसी की तलाश करना। तो ये दीज वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस फॉर यू, और ये अच्छी तरह से मैंने बताए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ सभी के समझ में आई होगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो एक और बना करके लाएंगे, और तभी तब तक के लिए सभी के लिए, टिल देन गुड बाय टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।